डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। अभी सुबह के 8:30 बजे का टाइम हो रहा है। अब मस्त सी धूप खिल चुकी है और यहाँ पे मैंने अपनी चौक की लिपाई भी कर ली है। सुबह से आज मेरा यही काम है। नाश्ता बनाने के बाद मैं सीधे लग गई थी चौक की लिपाई करने पे, क्योंकि ना दिन और शाम तक का कोई भरोसा नहीं है। शाम के टाइम पे डेली ही आंधी तूफान और बारिश हो रही है, इस वजह से मैंने आज सुबह ही चौक की लिपाई कर ली है। मौसम अभी तो बहुत ही अच्छा और सुहानी धूप खिली हुई है, लेकिन शाम के टाइम पे एकदम मौसम गड़बड़ हो जाता है। और यहाँ पे ये देखिए भाई, मैंने पूरे चौक की इस तरह से लिपाई कर ली है। यहाँ पे मैंने बनाया है गोबर का घोल, जो कि मुझे अब इसके ऊपर से एक कपड़े से सिर्फ गोबर से लिपाई करनी है, ताकि जो मैंने ये लिपाई करी है इसमें मिट्टी भी मिलाई हुई है। सूखने के बाद ना इसमें थोड़ा थोड़ा हल्की दरार पड़ जाती है, तो इससे सिर्फ गोबर से हमको ऊपर से लिपाई करनी है। जब ये अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद करूंगी। यहाँ पे इतना सा गोबर और मिट्टी बच गया है। इस सुबह के बर्तन भी धोने के लिए पड़े हैं, क्योंकि मैं सुबह से ही यहाँ पे काम पे लग गई थी। अब मैं जब तक ये चौक सूखता है तब तक मैं करती हूँ नाश्ता। बाकी आजकल हमारे यहाँ पे चल रही है गेहूं की लवाई, तो यहाँ सामने पे लोग गेहूं की कटाई कर रहे हैं। ये देखो, सुबह के 10 बज रही है और अभी मैं जा रही हूँ हरतोली अपनी बच्चिया को पानी पिलाने के लिए। 10 बज रही है और जितनी तेज़ धूप अभी है ना, उतना ही शाम के टाइम पे मौसम ख़राब होता है। और पहले के लोग कहा करते थे कि जैसे जैसे खेतों में हथियार दरांती वगैरह ले जाते हैं ना काटने के लिए, वैसे वैसे दिन प्रतिदिन गेहूँ पकना बैठ जाते हैं। तो ये देखिए भाई, सच में ऐसा कुछ है। 2-4 दिन पहले तक बहुत हरे थे, जैसे ही लोग खेतों में गए वैसे ही बहुत अच्छे से गेहूँ पकने बैठ गए हैं। और वैसे मुझे भी जाना था थोड़ा सा गेहूँ काटने के लिए, लेकिन मुझे जल्दी घर आना है खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज मेरा बेटा भी घर आ रहा है स्कूल से। अब उसके 2 महीने की छुट्टियां पड़ रही है, तो आज आएगा। अब सीधे उसने जुलाई में जाना है स्कूल, तो जल्दी से घर जाना है खाना बनाने के लिए। इस वाले खेत में तो सारे गेहूँ कट भी चुके हैं। 12 बजे का टाइम हो चुका है और मैंने यहाँ पे खाना भी चूल्हे में चढ़ा दिया है। मैंने एक कुकर पे दाल और एक पे चावल चढ़ा दिए हैं, तो जब तक ये मेरा खाना बनता है तब तक हमारा यहाँ पे बाहर में चौक भी तकरीबन सूख ही चुका है। तो जो मैंने ये घोल बनाया हुआ था इसको मैं ऊपर से लिपाई फिर से कपड़े की मदद से इसकी लिपाई करती हूँ। फिर अभी तो धूप है, अभी सूख जाएगा, नहीं तो शाम के टाइम तक ना बारिश भी आ सकती है। ये देखिए भाई, यहाँ पे गोबर से मैंने अभी बाहर से कुछ तरह से इसकी लिपाई करी है और अभी और भी अच्छा दिखने लगा है। तो चौक की लिपाई करने के बाद ना एकदम चौक बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे मेरे दाल और चावल पे सीटी भी आने लगी है, तो देखते हैं कि हुआ है या नहीं हुआ है। अब मेरा बेटा भी आता ही होगा, तब तक मैं कर लेती हूँ खाना तैयार। मेरी दाल भी पक चुकी है और मैंने चूल्हे में कढ़ाई भी चढ़ा दी है और दाल ना कुछ ज़्यादा ही गल गई है। पहले ही मुझे दाल कुछ खास पसंद नहीं होती है, ऊपर से गली हुई दाल तो और भी ज़्यादा पसंद नहीं। मैं फटाफट से दाल बना लेती हूँ। बाहर में देखो भाई, मिक्की देखो, ए मिक्की खोटा नादार है तू, देखो भाई मिक्की समझदार है यार, पत्थर पत्थर में रख रहा है पैर। नहीं हाय नहीं कनो, आज मिक्की की छुट्टी ना जल्दी हो गई थी क्योंकि आज मिक्की का हाफ डे था। आई कर दोस्तों को प्रणाम कर, यहाँ पे सभी को प्रणाम कर। कदया मजे बल तो स्कूल वा क्लास, कौन सी क्लास में है बल? अरे यार बोल, कौन सी क्लास में है तू? कौन सी क्लास में है? कौन बोल रहा? यहाँ पे बोल ना, दोस्तों के पास बोल ना, तू कौन सी क्लास में है? बोल बोल, शर्मा रहा है मिक्की सर।
यहाँ पे अभी दिन के 12:30 बजे का टाइम हो चुका है और खाना बनाने के बाद मैं आ गई थी छत में, तो मैंने यहाँ पे जौ कल कूटे थे उनको अभी मैं साफ कर रही हूँ इस सुप्पे की मदद से। अभी यहाँ पे हवा चल रही है तो ये जो खाली खाली कबाड़ा होगा इस तरह से हवा में उड़ जाता है और जो अच्छा जौ होंगे वो इस तरह रह जाते हैं। हाय, तो यहाँ पे देखो भाई दीक्षु भी आ चुका है घर। प्रणाम, ठीक हो भाई? कैसा हो रहा है दीक्षु? कैसा हो रखा है दीक्षु? पतला हो रखा है कि ठीक ठाक है? कमेंट में जरूर बताना, मुझे तो ठीक ठाक लग रहा है। मिकी को कैसा लग रहा है भैया आ गया घर? अच्छा नहीं भैया, क्या लाया तेरे लिए? आइसक्रीम। तो यहाँ पे दीक्षु आ गया है घर और इसको लेने के लिए इसके पापा जा रखे थे। बाकी अभी यहाँ पे दीक्षु और मिकी ना, अब तो मिकी खुश हो गया क्योंकि अब मिकी के लिए ना खेलने के लिए दोस्त बन गए दोनों। अब तो कल से बोलेगा मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। और इनके ना 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ती है, बाकी स्कूल में 1 महीने की पड़ती है और दीक्षु लोगों के स्कूल में ना मई और जून 2 महीने की पड़ती है। अब दीक्षु भी 2 महीने तक फुल एंजॉय करेगा, है ना। अब हम खाते हैं खाना। हम लोग ना दीक्षु का वेट ही कर रहे थे, जब आएगा तब हम खाना साथ में। तो अभी हो चुका है 4:00 बजे का टाइम और मैं आ चुकी हूँ हड़तोली में। बछिया को मैंने बाहर निकाल दिया है और अब मैं आ चुकी हूँ अपने खेत में गेहूँ की कटाई करने। पर यहाँ पे जो गेहूँ है ना बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रखे हैं। पे इस साइड ना उगेलू लगा हुआ है। उगेलू का मतलब होता है जो सफ़ेद सफ़ेद मोटे मोटे वाले जो कीड़े होते हैं ना, उनका मुंह लाल होता है। वो सारे ज़मीन को खोद देते हैं और सारा फसल की नुकसान करते हैं वो। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे सारे जड़ों को उन्होंने ना खा रखा है, इसलिए ये गेहूँ ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेकार हो रखे हैं। ये पूरे ना जड़ से ही तो उखड़ जाते हैं ये वाले गेहूँ जहाँ पे उगेलू लगा होता है। और इस साइड देखो ना, इस साइड नहीं लगे हैं तो इस साइड अभी थोड़ा हरे हैं। बाकी अभी यहाँ पे जो पके होंगे जो होंगे तो उनको मैं काट दूंगी। बड़ी 6:00 बजे का टाइम हो चुका है और मैंने यहाँ पे इतने गेहूँ की कटाई करने के बाद यहाँ पे मैंने भारे में भी रख दिया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हरी गेहूँ छांट दिए बछिया के लिए। बाकी अब ना इस साइड हैं पर इस साइड अभी हरे हरे हैं तो इनको मैंने 1-2 दिन तक रहने दूंगी। बाकी आजकल 6:30 बजे का टाइम हो चुका है और अभी तक काफ़ी उजाला है क्योंकि आजकल दिन ना बहुत बड़े हो गए हैं। और यहाँ पर मेरी दीदी जा रही हैं पानी के लिए। ए दीदी, हाय। ठीक ठाक? स्वास्थ्य है पा? ठीक ठीक हो भाई? दीदी लोगों के देखो यहाँ पे 2 भैंस बांध रखे हैं भाई। वही तो घर। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को भी हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।